आज हम एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का टिपिकल केस दिखाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फेडोपैथी। तो ये बच्चा है हमारे पास, 6 मंथ से वेट लॉस की हिस्ट्री है, वेट इसका कंटिन्यूस रिड्यूस हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट है और सर्वाइकल लिम्फेडोपैथी था जो कि बाद में सर्वाइकल एब्सेस बना, कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस ट्यूबरकुलोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब इसका सीबीसी कराया तो उसमें लिम्फोसाइटोसिस मिला, लिम्फोसाइट उसका 48% है। और दूसरी चीज़ इसमें ईएसआर इसका बढ़ा हुआ है, ये हमारे पास हिस्ट्री है। और इसका जब देखिए सीबीसी में लिम्फोसाइट 47% है और इसका मोंटोक्स भी पॉजिटिव आया है, तो हम एक मोंटोक्स दिखाना चाहेंगे, हालांकि कई दिन हो गया। तो ये इसका मोंटोक्स 14 mm यानी 10 mm से ज़्यादा होता तो पॉजिटिव होता है, इसका 14 mm है। तो मोंटोक्स पॉजिटिव है प्लस वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है और सर्वाइकल लिम्फेडोपैथी था। ध्यान दीजिए ये पहले सर्वाइकल लिम्फेडोपैथी थी, बाद में अब्सेस बन गया। तो दिस इज द टिपिकल केस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। थैंक यू।